नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत आप देख ही सकते हैं बोगनविला के प्लांट फ्लावर्स के साथ। और दोस्तों, ये वही प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और थोड़े टाइम पहले मैंने इसको रिपोर्ट भी किया है और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो आप देख सकते हैं उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और इसमें तीन प्लांट लगे हैं दोस्तों। एक ये बोगनविला का, एक ये टिकोमा और इसके साथ ही लगी है ये अपराजिता की बेल। ये अपने आप से ग्रो हो गई है, शायद बीज बीज गिर गए होंगे तो मैंने नहीं हटाई है क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, कुछ ऐसे प्लांट के बारे में हम आज बात करेंगे जो तेज़ धूप में भी और खुली जगह में भी हम बड़ी आसानी से इनको ग्रो कर सकते हैं और कम पानी और कम मिट्टी में भी हम इनको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो उन्होंने पूछा है कि ऐसे कौन से प्लांट हमें लगाने चाहिए जो कम केयरिंग में भी बहुत अच्छे से चलते रहे। तो दोस्तों, हम आज उन्हीं प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये है दोस्तों मेरे गडेलिया के प्लांट और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इनमें फ्लावरिंग हो रही है और इसके प्लांट मेरे पास ढेर सारे हैं। अपने आप से ग्रो हो जाते हैं, एक बार आप लगा देंगे तो ये कितने ही प्लांट इसके बन जाते हैं। जैसे जैसे इसके बीज, ये इसमें बीज होते हैं फूल में, तो जैसे जैसे है ये बीज गिरते हैं दोस्तों, तो वहीं पर इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हर प्लांटर में दो दो तीन तीन प्लांट लगे हुए हैं। तो ये भी इनके फूल जो खिलते हैं मैं इन्हीं में डाल देती हूँ और फिर इससे कई प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पे है गडेलिया प्लांट और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं। थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों विनका। दोस्तों, विनका ऐसा प्लांट है जो गर्मियों में अगर आप इस प्लांट को दो तीन दिन तक भी पानी नहीं देंगे और तेज़ धूप में भी रखेंगे तो भी ये प्लांट मरता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। आप जैसे ही इसमें वापस से पानी देंगे ये वापस से इसकी ग्रोथ कर लेगा। और दोस्तों, बहुत ही हेवी ब्लूमिंग होती है और मेरे पास ये वाले प्लांट जो है देसी भी है और हाइब्रिड भी है। हाइब्रिड भी मैंने बीज से ही ग्रो की है दोस्तों, और जो देसी है वो भी मैंने बीज से ही ग्रो किए हैं। और एक बार आप इनको ग्रो कर लीजिए उसके बाद इसके कई प्लांट तैयार हो जाते हैं, आपको कोई ज़्यादा मेहनत वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है और हेवी ब्लूमिंग ये करते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्लांट है और ऐसे प्लांट हमारे गार्डन में ज़रूर लगाने चाहिए। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों कनेर का प्लांट। कई वेराइटी में ये प्लांट होता है, सिंगल पेटल, डबल पेटल, और इसके कई कलर होते हैं और बहुत ही सारे कलर बहुत ही सुंदर होते हैं। बंच में इसके फूल आते हैं और देख सकते हैं दोस्तों कई सालों से मेरे पास ये प्लांट बने हुए हैं और हमेशा जैसे ही गर्मियाँ और बारिश दोनों में इतनी हेवी ब्लूमिंग होती है छोटे छोटे प्लांटर में लगे होने के बावजूद, और बहुत ज़्यादा केयरिंग ये प्लांट नहीं मांगते हैं। और रोड साइड पे आपने देखा होगा कि ये लगे हुए रहते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई ज़्यादा केयरिंग नहीं की जाती है, तो कम केयर वाले प्लांट है दोस्तों। तो ऐसे प्लांट हमें ज़रूर लगा लेने चाहिए जिसमें हेवी ब्लूमिंग भी होती है और हमें कम खाद पानी की ज़रूरत रहती है। तो ये कनेर का प्लांट आप लगा सकते हैं। ये मेरे पास वो डार्क पिंक कलर है और ये लाइट पिंक कलर है, और ये देख सकते हैं भी डबल पेटल में वाइट कलर में है, ये देख सकते हैं। और एक और मैं आपको दिखाती हूँ कनेर का ही, जो बड़े बड़े फूल आते हैं दोस्तों गुलाब की तरह, ये वाला वो वाला प्लांट है, कनेर का ही है। तो कनेर की कई वेराइटी मेरे पास है। अब पांचवें नंबर पर आता है दोस्तों हिबिस्कस। हिबिस्कस तो दोस्तों मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं कि मुझे इनको लगाने के लिए मेरे पास प्लांटर तक नहीं है। तो ये देख सकते हैं मैंने मेरे चावल के जो क्या बोलते हैं कैरी बैग होते हैं इनमें ही मैंने लगा रखा है, और देख सकते हैं कितनी ब्लूमिंग हो रही है, कितने सारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं और कलियां देख सकते हैं आप, इतनी ढेरों कलियां आ रही है कि
देख सकते हैं। तो समर का बहुत ही बेस्ट प्लांट है दोस्तों, और बहुत ही कम केयरिंग मांगता है। जैसे ही समर शुरू होता है इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और इतने सारे प्लांट मैंने लगा रखे हैं, आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देख सकते हैं, इसमें मेरे पास दो कलर के लगे हुए हैं, दोनों प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। ये देख सकते हैं, रेड कलर की इसमें कली है और एक ये पिच कलर की है। और ये देख सकते हैं, दोनों प्लांट मैंने इसमें छोटे से प्लांटर में लगा रखे हैं, और दोस्तों बहुत ही कलियाँ आ रही है। जैसे ही मैंने इनको प्रून किया था और उसके बाद जो ग्रो शुरू हुई, तो साथ में कलियाँ भी बनना शुरू हो गई। और आप को पता ही है मैं कौन सा खाद देती हूँ दोस्तों, सिर्फ़ एक बार दवा खाद दे दीजिए आप, तो आपका सभी प्लांट इतनी हेवी ब्लूमिंग करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ ढेर सारे इसके मेरे पास, ये गडलिया का ये मेरे इसमें लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छे इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, बहुत सारे प्लांट मैंने लगा रखे हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये हिबिस्कस रेड कलर के इसमें फ्लावर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप कितने सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। और ये सारे प्लांट मेरे हिबिस्कस के हैं, जैसे जैसे इनकी ग्रोथ शुरू हुई है फ्रेंड्स। और ये देखिए, जैसे ग्रोथ शुरू हुई है मिलीबग का आना भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये हमें बस ध्यान रखना है, क्योंकि हिबिस्कस पर मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। जब भी मिलीबग आपको दिखे तो आप फटाफट से या तो उसको हटा दीजिए, या फिर यह है मेरे डबल पेटल का, या फिर आप छिड़काव करते रहिए नीम ऑयल का, तो आपके ज़्यादा ख़राब प्लांट नहीं होंगे। और इसके अलावा दोस्तों मेरे पास है चमेली का प्लांट, ये भी मैंने देख सकते हैं चावल के ही जो पॉलीथीन आती है उसमें ग्रो कर रखा है, उसमें भी ब्लूमिंग मतलब जो फ्लावरिंग है वो शुरू हो गई है। और देखिए बहुत ही हरा भरा प्लांट है, और बहुत तेज़ गर्मी में रखा है दोस्तों, और अभी फ़िलहाल तो मैं एक ही टाइम इनमें पानी दे पा रही हूँ। और ये देख सकते हैं चांदनी का, और छोटे छोटे प्लांटर में मैंने लगा रखे हैं दोस्तों। ये देखिए छोटा सा प्लांटर है मेरा, और थोड़ी इसकी पत्तियाँ पीली इसलिए ही हो रही है कि इसकी जो प्लांट है इसकी रूट बॉन्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा रूट जड़ें फैल गई है। और दोस्तों काम इतने रहते हैं गार्डनिंग के कि कोई ना कोई चीज़ तो छूट ही जाती है, और उसमें ये प्लांट मेरे छूट गया है। और मैं इसकी रूट जो है प्लांटर में सही नहीं कर पाई, फिर भी देखिए दोस्तों इसमें ब्लूमिंग हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे नागचंपा के प्लांट, ये है नागचंपा और ये है साधारण चंपा, दोनों में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होती है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर प्लांट है। और इसकी पत्तियां ही मेरे को तो इतनी प्यारी लगती है, और दोनों में बहुत ही कलर के फूल आते हैं और ढेरों फ्लावरिंग होती है। अभी तो फ़िलहाल मेरे इसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो इनकी ग्रोथ हो रही है, तो जैसे ही इनमें फ्लावरिंग होगी मैं इनकी भी आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी दोस्तों। ये प्लांट गर्मियों के हैं, और आप बहुत ही आसानी से इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। मेरे ज़्यादातर प्लांट कटिंग से ही ग्रो किए हैं, तो थोड़ी सी मेहनत लगती है और आपके प्लांट तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों नागचंपा और चंपा दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लांट है, और हमें इसे ज़रूर लगाने चाहिए। बड़े हार्डी प्लांट है, और एक बार लगाने के बाद ये हमारे पास सालों साल तक बने रहते हैं। इसके बाद आता है, ये है दोस्तों अलमंडा का प्लांट, और आप देख सकते हैं इसकी मैंने बहुत ज़्यादा डीप प्रूनिंग कर दी थी, तो अब इसकी ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। और ये बहुत ही तेज़ धूप में रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ये इतनी बड़ी छत है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ग्रीन नेट नहीं लगा पाऊँगी। तो दोस्तों इन्हीं के साथ, तेज़ धूप के साथ मेरे इन प्लांट को रहना है। तो ये वो ही प्लांट है दोस्तों जो तेज़ धूप सहन कर पाते हैं और फिर भी बने रहते हैं, तो वो वैसे ही प्लांट मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। वैसे दोस्तों बहुत ही ढेर सारे प्लांट है जो हार्डी है और तेज़ धूप में भी चल सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल जो मेरे पास है मैं उन्हीं को आपके साथ वीडियो शेयर की है। और आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट मैंने लगा रखे हैं छोटे छोटे प्लांटर में। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे प्लांट है, जो अपराजिता का प्लांट है वो लगा सकते हैं, बेल है सॉरी, और ये है एक येलो फ्लावर्स वाले। और इसके अलावा दोस्तों अभी जो
पोर्चो लिखा और मोस रोज की कटिंग आप लगा सकते हैं। ये तो मेरे इसमें मिली बग का अटैक हो गया था बहुत सारा, तो उसकी वजह से थोड़ा प्लांट ख़राब हो रहा है। अब देख सकते हैं इसमें कलियाँ बनने लग गई है और फ्लावरिंग भी जल्द शुरू हो जाएगी। तो ये प्लांट भी हम लगा सकते हैं, गर्मियों का बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों, और बहुत ही हेवी ब्लूमिंग होती है, बहुत ही सुंदर लगता है और आपकी आपके गार्डन को ग्रीनरी देते हैं। तो ऐसे प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।